रूस के हमले में यूक्रेन में भारी तबाही मची है। तस्वीरें नजर आ रही हैं जहां पर यूक्रेन के सैन्य वाहनों को तबाह कर दिया गया है और यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस का अटैक है। रूस लगातार ये कह रहा है कि हम सीधे सीधे अटैक करना चाह रहे हैं सैन्य ठिकानों पर। और वैसी ही तस्वीरें देखने को मिली जब बैक टू बैक रशिया ने टारगेट करते हुए बेस को निशाना बनाया और साथ ही सैन्य ठिकानों पर रूस ने यह हमला किया है। सैन्य वाहनों तक को यूक्रेन में तबाह कर दिया है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, तबाही की ये तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं और रशिया की तरफ से जो एक्शन लिया जा रहा है मिलिट्री बेस मिलिट्री व्हीकल्स को निशाना बनाता हुआ रूस आग की लपटों में जलते नजर आ रहे हैं। ये मिलिट्री व्हीकल्स जिन्हें तबाह कर दिया है रूस ने यूक्रेन में इनकी मौजूदगी और रूस का इन पर एक्शन। ये तस्वीरें जो आपके सामने हैं ये बयां कर रही हैं कि यूक्रेन में इस वक्त हर तरफ कैसी तबाही मची हुई है। सैन्य अड्डों को तबाहो बर्बाद कर दिया गया है और यहां तक कि रिहायशी इलाकों को भी बनाया है निशाना रशियन फोर्सेस ने, जिससे जुड़ी तमाम तस्वीरें इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। और इस वक्त युद्ध की विभीषिका को बयां करने वाली 10 तस्वीरें आपके सामने हैं। रूसी फाइटर जेट्स किस तरह से तस्वीरों में नजर आ रहे हैं आप ये देखेंगे। दूसरी तरफ आसमान में धुआं उठता हुआ यूक्रेन के कई इलाकों में नजर आ रहा है, जो बयां कर रहा है कि ताबड़तोड़ तरीके से जो मिसाइलों का अटैक हुआ है उसने यूक्रेन के शहर किस तरह से बर्बाद कर दिए हैं। कुछ तस्वीरें रात की भी हैं जिसमें आप देखेंगे कि लगातार धमाकों से किस तरह से यूक्रेन के तमाम शहर दहलते रहे, मिसाइल से ताबड़तोड़ अटैक और तो और जो ड्रोन्स होते हैं उनसे भी अटैक किया गया है। मिसाइल अटैक हुए हैं, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। जबरदस्त धमाकों से यूक्रेन के लोग इस वक्त दहले हुए नजर आ रहे हैं। हाइड्रो पावर स्टेशन था जो कि मिसाइल अटैक के बाद पूरी तरह से तबाह हो बर्बाद हो गया। और एक तस्वीर में आप देखेंगे जो कि रिहायशी इलाके की तस्वीर है, उसमें तमाम अपार्टमेंट्स आपको नजर आएंगे। और ये जानकारी हमारे पास आ रही है कि कई रिहायशी इलाकों को रशियन फोर्सेस ने निशाना बनाया है, मिसाइल अटैक हुआ है जिसमें कई अपार्टमेंट्स भी पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए हैं। घबराए लोग अब यूक्रेन की राजधानी कीव से जल्द निकलने की फिराक में हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।